नमस्कार, डॉक्टर्स एडवाइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा प्रजापति। डॉक्टर्स एडवाइस में आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। थैंक यू। नमस्कार। तो आइए जानते हैं दिल की बीमारियाँ और उनके इलाज के बारे में। शुरुआत पहले सवाल से करते हैं जी। पहला सवाल है कि दिल की बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है, इसको जानना ज़रूरी है कि हम सामान्यतः जनसाधारण में किस तरह की दिल की बीमारियाँ हम एज ए डॉक्टर देखते हैं। तो देखिए, सबसे कॉमन जो है इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, या हृदय में अवरोध, रक्त के प्रवाह में जो अवरोध की शिकायत होती है, वो बीमारियाँ जिसको हम हमारी भाषा में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। कोरोनरी मतलब जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है उसको कोरोनरीज बोला जाता है। तो जनसाधारण में सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, वो सबसे कॉमन डिजीज़ देखी जाती है। इसके अलावा जो अन्य बीमारियाँ हैं वो हैं हृदय की मसल से संबंधित बीमारियाँ, जिसमें हार्ट की मसल बिना किसी अवरोध के भी ख़राब हो जाती है, जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और भी तरह की कार्डियोमायोपैथी होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ साथ जैसे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा और जो पर्टिकुलरली हमारे देश में जो सबसे कॉमन इसके बाद जो आता है वो आता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। बचपन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है बाद में वो, लेकिन उस इन्फेक्शन का प्रभाव हार्ट पे पड़ता है, तो उसमें हार्ट के वॉल से संबंधित गड़बड़ियाँ देखी जाती हैं, या तो उसमें वॉल में सिकुड़न हो जाती है या वॉल में लीकेज हो जाता है। तो ये भी काफ़ी कॉमन है हिंदुस्तान में। इसके बाद फिर रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें हार्ट की रिदम की गड़बड़ी होती है। जनरली ये ओल्ड एज में देखी जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, सिक्स साइनस सिंड्रोम हुआ, जिसमें हृदय की गति कई बार बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है, ऐसे मरीजों को पेसमेकर की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद जो आते हैं बच्चों में जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे सबसे कॉमन हार्ट में होल होना है, वो काफ़ी कॉमन है। और या फिर एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं, साथ में होल भी होता है हार्ट में लेकिन एबनॉर्मल कनेक्शंस भी होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। तो ये बीमारियाँ जो है जनसाधारण में काफ़ी कॉमन रूप से देखी जाती हैं हमारे प्रैक्टिस में। ये तो आपने हृदय रोग के बारे में जानकारी दी, इनका किस तरह से इलाज किया जाता है? देखिए, पहले तो डायग्नोस करना ज़रूरी है कि हम किस तरह की हृदय रोग की बीमारी से हम डील कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे कॉमन जो हमको हृदय रोग देखने में आता है वो ब्लॉकेज वाली समस्या का आता है। तो ऐसे में उनको सिम्टम्स के आधार पे उसको असेस करके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ECG करते हैं, ECO करते हैं, TMT करते हैं। वो डिपेंड करता है वो बीमारी के किस स्टेज में प्रेजेंट किया है, तो उसके आधार पे फिर आगे निर्णय लिया जाता है कि हम हृदय की बीमारियों को कैसे ठीक करते हैं। सामान्यतः जैसे हम देखते हैं ब्लॉकेज की बात करें, तो अगर ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा होता है, एक ही नस में है या दो तीन नस में भी है लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज है, तो जनरली एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जाता है। जब यही ब्लॉकेजेस मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ब्लॉकेजेस, तो फिर वहाँ पे बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली इन दोनों प्रक्रियाओं का पर्पज़ ये होता है कि जो मसल की ब्लड सप्लाई बाधित हो रही है उसको रिस्टोर किया जाए। तो या तो उस नली को खोल दिया जाए जो ब्लॉकेज है, या उसके लिए एक बाईपास रास्ता क्रिएट कर दिया जाए ताकि हार्ट की मसल की ब्लड सप्लाई जो प्रॉपर रिस्टोर हो जाए। तो ये एक मोटा मोटा इस तरह से बोल सकते हैं इसको। जैसे कि सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ, इन समस्याओं से किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ये तो हार्ट की बीमारी के ही लक्षण हो गए ना। तो सबसे, जैसे मैंने बताया, कॉमन या तो ब्लॉकेज की समस्या से हम डील कर रहे हैं, या हार्ट फेलियर चल रहा है मरीज को, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ही हो सकते हैं कि छाती में चलने में धड़कन बढ़ रही है या सांस फूल रही है, तो हार्ट फेलियर है। अब हार्ट फेलियर का कारण क्या है? या तो हार्ट फेलियर का कारण ब्लॉकेज के कारण है, या वॉल्व की गड़बड़ी के कारण है, या कार्डियोमायोपैथी के कारण है। तो ये हमें इसकी जानकारी ECO से मिलती है, ECO से पता पड़ती है। तो ECO करते हैं तो उसमें हार्ट का हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों देखने को मिल जाता है, तो उससे डायग्नोसिस प्रॉपर बन जाता है। तो इस पर फिर हार्ट पे लोड कम करने की दवाइयाँ, जैसे कई बार सूजन भी आ जाती है तो सूजन कम करने की दवाइयाँ, हृदय की गति को कंट्रोल रखने की दवाइयाँ, इन सब दवाइयों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देते हैं, जिससे मरीज को काफ़ी फायदा होता है और वो अपना नियमित जीवनचर्या के कार्य वो सुचारू रूप से कर सकता है। लेकिन बात की जाए तो क्या ये कोई बड़े खतरे का संकेत होता है? बिल्कुल, ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं इसको
इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, आज भारी खाना खा लिया या मेरा नींद पूरी नहीं हुई, थकान ज़्यादा हो गई, इसलिए मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो शुरुआती दौर में पेशेंट्स को एक डिनायल मोड रहता है कि नहीं, मुझे हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है। वो जनरली हमें जनसाधारण में ज़्यादातर देखा है कि वो ज़्यादातर बोलते हैं एसिडिटी हो गई या गैस हो गई, उसको एस्क्राइब करते हैं इस तरह के सिम्टम्स। लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी या हार्ट की सीरियस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसके लिए आपको अपने योग्य चिकित्सक के पास जाके उसकी सलाह लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह लिए भी लोग खुद से इलाज करने लग जाते हैं, जैसे क्योंकि वो गैस की गोलियां खाते रहते हैं। हमारे पास कई मरीज हार्ट अटैक के आते हैं जो लेट प्रेजेंटेशंस होते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मरीज़ की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हार्ट को डैमेज हो चुका होता है, पहले दो दिन वो ये समझते हैं गैस और एसिडिटी के कारण है, तो वो घरेलू उपचार करते रहते हैं। और डॉक्टर जब उनका ECG देखा जाता है, जो कि दो दिन बाद होता है, जब ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका होता है और हार्ट को ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो वो तुरंत आप अपने चिकित्सक के पास जाएं, उससे जांच करवाएं और समझें कि वो क्यों हो रहे हैं। हार्ट अटैक किस वजह से आता है? क्योंकि देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक आ जाता है तो इसमें बचने के भी चांसेस नहीं होते हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाता है? जी, हार्ट अटैक एक अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। देखिए, पहले समझे कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट की जो अपनी मसल है, हार्ट एक मस्कुलर पंप है। हार्ट का मस्कुलर पंप का काम है सारे शरीर को ब्लड सप्लाई करना, लेकिन उस मसल को काम करने के लिए भी एक रक्त की आवश्यकता है, रक्त ब्लड सप्लाई की आवश्यकता है। तो जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, वो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब इनमें से तीन होती हैं मुख्यतः, एक राइट में, दो लेफ्ट साइड, तो इनमें से किसी भी नस में अगर कोई ब्लॉकेज होता आता है और सडनली हो जाता है, तो वो हृदयाघात बोलते हैं या हार्ट अटैक बोलते हैं। तो उसको अगर आपने तुरंत नहीं खोला, उसकी आपने जो एक्यूटली ब्लड सप्लाई बंद हुई उसको अगर आपने तुरंत नहीं खोला, तो वो मसल परमानेंट डैमेज हो जाएगी और या तो वो आगे जाके पेशेंट को रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर्स कर सकती है या हार्ट फेल कर सकती है। तो ऐसे में पेशेंट को लंबे या तो एक्यूटली कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है कि हार्ट की रिदम या तो बहुत ही कम हो जाएगी या बहुत तेज़ हो जाएगी, जिसको मरीज़ जो है टॉलरेट नहीं कर पाएगा और वो कार्डिक अरेस्ट में जा सकता है। और बाई चांस वो कार्डिक अरेस्ट में नहीं गया, लेकिन हार्ट की मसल का डैमेज होने के कारण हार्ट फेलियर की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो लंबे समय तक मरीज़ को परेशान करेगी। तो ये बहुत जानलेवा स्थिति हो सकती है अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाए, और आजकल की जो मोडालिटीज़ हैं इसका डायग्नोसिस पॉसिबल है। वहीं अगर बात की जाए तो दिल की धड़कन एकदम से जब तेज़ होने लगती है, तो उस टाइम जैसे छोटा मोटा कोई उपचार किया जा सकता है ताकि एकदम से जैसे कोई बड़ी समस्या ना हो जाए? देखिए, ये कई बार दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई, इसके कई कारण होते हैं। जैसे आपने बोला कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपने बताई कि बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं हार्ट एक डिकम्पनसेशन की स्थिति में गया है। तो फर्स्ट कारण हम यही सोचते हैं कि चलिए हार्ट अटैक हुआ, उसके कारण हार्ट पर लोड ज़्यादा, इसलिए हृदय की गति बढ़ गई, या मरीज़ को हृदय की गति खुद फील हो रही है, जिसको हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं। कई बार रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्ट के रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम सुप्राविकुलर टकीकार्डिया बोलते हैं या एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, मतलब हृदय की गति अपने आप ही बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ऑफ द हार्ट बढ़ गई है। तो अब वो स्थिति को आपको तुरंत ECG से ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है पेशेंट को, तो उस वक्त तुरंत ECG कराना चाहिए, उससे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या हुआ है। वहीं आपने हार्ट अटैक के बारे में जानकारी दी, कई बार मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इन दोनों में क्या अंतर है? जी, हार्ट अटैक तो जैसे मैंने बताया कि हृदय की जो रक्त वाहिकाएँ हैं उसमें अवरोध के कारण होता है, और हार्ट फेलियर उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। हार्ट फेलियर अन्य हार्ट की बीमारियों का भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी, वाल्व की गड़बड़ी होना, जैसे मैंने बताया रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में ऐसा होता है। कई बार जो जन्मजात बच्चों के हृदय में होल होता है, वो भी हार्ट फेलियर की स्थिति को पैदा करता है। तो बेसिकली हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का मसल पंप जो है अब इतना सक्षम नहीं रहा कि वो सारे शरीर को ब्लड सप्लाई पंप कर पाए। उसमें से अनेक कारण, जैसे मैंने बताया हार्ट के इनिशियली हार्ट की विभिन्न बीमारियाँ, वो हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो सकती हैं, और हार्ट अटैक एक हार्ट फेलियर होने का मुख्य कारण है। क्या बदलती जीवन शैली का प्रभाव हृदय रोग पर पड़ता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, आजकल जो हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, या इंडिया भी मान लें, इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल हो गया है, वो जीवन शैली में परिवर्तन के कारण ही, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है,
लोग बाग इतने अपने काम में व्यस्त हो रहे हैं कि अपने हेल्थ के लिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, खाना पीना अस्त व्यस्त हो गया है, रेडीमेड फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, इंस्टेंट फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, फास्ट फूड में होता है मैदा और ट्रांसफैट्स, ये हार्ट के अवरोध, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो ये हार्ट फेलियर का रिस्क बनते हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बनते हैं, मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज़ बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के या हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के। तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है बेसिकली, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जो है एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है, हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रहा है, लाइफस्टाइल गड़बड़ है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है और स्मोकिंग की हैबिट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मुख्य रिस्क फैक्टर हैं। ये सब चीज़ें जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, कोलेस्ट्रॉल हार्ट की आर्टरीज में जमा होता है और वो अवरोध उत्पन्न करता है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। मोटापा भी एक कारण है हार्ट, मतलब जो हृदय रोग जो रहते हैं, ये मोटापा मतलब किस तरह से ये एक खतरे का कोई संकेत होता है मोटापा? मोटापा बिल्कुल खतरे का संकेत होता है। देखिए मोटापा क्या है, एक्सेस बॉडी का जो है एक आपका बीएमआई माप मान लीजिए 25 से ज़्यादा है, शरीर में एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ गई, पर्टिकुलरली शरीर के जो आपकी तोंद निकल आई है या पेट के आसपास के हिस्से में ज़्यादा फैट जमा है, इस तरह का मोटापा जो है हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरह के मोटापे में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है, वो डेवलप हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे जाके डायबिटीज़ में कन्वर्ट होती है। तो इसके साथ ही क्या होता है, इंसुलिन जब रेजिस्टेंस होता है तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो और ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है, तो ये एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे जाके डायबिटीज़ को कन्वर्ट होता है और डायबिटीज़ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने का। तो इस तरह से मोटापा जो है हार्ट के लिए नुकसानदायक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा गया है कि पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो हार्ट अटैक से हुई हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए पिछले 20 साल में एक तो डेटा कलेक्शन अच्छा हो गया है, पहले डेटा नहीं था, अब डेटा मिल गया है, और ये पहले तो देखा जाता था ये शहरी लोगों की बीमारी है, एफ्लुएंट क्लास की बीमारी, पर ऐसा नहीं है, अब हमें विलेजेस से भी डेटा मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी डेटा मिल रहा है, ये बीमारी वहाँ पे उतनी ही कॉमन है क्योंकि वहाँ पे स्मोकिंग और टोबैको का यूज़ होता है अलग अलग फॉर्म में, तो वहाँ से भी डेटा मिल रहा है। एक तो डेटा कलेक्शन बढ़ गया, दूसरा लाइफस्टाइल, अब जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल हो गई है यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पहले ये बियॉन्ड 45 या बियॉन्ड 55 भी देखने को मिलता था, अब ये आपको एज अर्ली एज लेट 30s में भी देखने को मिल जाता है कॉमनली, एंड मैंने तो यंगेस्ट पेशेंट जो ऑपरेट किया वो 22 ईयर्स का था, जस्ट टीन एज में भी कोई ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं तो उतना नहीं, पर अर्ली 20s में भी हार्ट अटैक देखा गया है, और बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स के स्मोकर हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा है, स्मोकर्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। तो पर्टिकुलरली जो अभी अर्बनाइजेशन हुआ है, जॉब की जो एक वो अर्जेंसी बढ़ गई है, प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, आपको डेडलाइंस मिल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यंगर एज में क्या कारण हो सकते हैं, वो यही कारण है कि दे आर सो बिजी इन देयर जॉब, सो दे आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू देयर हेल्थ, तो जिसके कारण जो है वो बढ़ गया है। हृदय रोगों से जुड़े वो क्या संकेत होते हैं, इनको पहचानने का क्या फॉर्मूला है? हृदय रोग के जो मुख्य लक्षण होते हैं उसमें चलने में किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, गले में घुटन हो रही है, अत्यधिक स्वेटिंग हो रही है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी या चलने की कैपेसिटी कम हो गई, पहले आप ज़्यादा चल पाते थे अब कम चल पा रहे हैं, आपको चलने के दौरान धड़कन हो रही है, आपको चलने पर अगर चक्कर आ रहा है, तो ये मुख्य लक्षण होते हैं किसी भी तरह की हार्ट की बीमारी के। अब वो क्या बीमारी है वो तो हम आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब समझ में आता है कि क्या है, पर ये जो इम्पॉर्टेंट लक्षण ये होते हैं कि चेस्ट पेन होना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना, सांस लेने में कष्ट होना, स्वेटिंग होना, चक्कर आना, और अपने स्वयं की धड़कन खुद को फील होना मिनिमल एफर्ट करने पे, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट लक्षण होते हैं हार्ट के, तो इसको आपको आगे जाके इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए, तो उस ताकि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाए। बिल्कुल, वही बीपी लो और बीपी हाई होना ये भी एक मुख्य कारण है। बीपी हाई होना मतलब ये तो हाइपरटेंशन हो गया, तो हाइपरटेंशन अपने आप में जनसाधारण में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, हाइपरटेंशन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक बोल सकते हैं, तो हाइपरटेंशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, ये भी काफ़ी कॉमन देखा जाता है, तो हाइपरटेंशन तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया। लो बीपी एज सच कोई बीमारी नहीं होती है, लो बीपी क्यों है उसका कारण ढूंढना पड़ता है, कई बार वीकनेस के कारण भी ये रहता है, वीकनेस जनरली इसमें हम ऐसा उसको समझ सकते हैं, ये तो हार्ट की पंपिंग लो हो गई है किसी भी कारण से,
जैसे हार्ट की पंपिंग क्षमता होती है 55% या उससे ऊपर, किसी भी कारण से हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, एक्यूटली कम हो गई, रिसेंटली कम हो गई है, तो वो एक लो बीपी दे सकती है। तो ऐसे लो बीपी वाला पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है तो उसको त्वरित में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और आगे इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। ये कितना सही है कि हार्ट अटैक आने से इंसान बच नहीं सकता? देखिए, हार्ट अटैक अपने आप में जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, गंभीर समस्या है और ये बहुत अगर ट्रीट ना की जाए तो ये कॉम्प्लिकेट होके सडन डेथ दे सकती है। इवन देखा जाए तो सडन कार्डियक डेथ का जो सबसे कॉमन रीज़न है वो हार्ट अटैक ही है। तो हार्ट अटैक को त्वरित में डायग्नोज होना और ट्रीटमेंट होना बहुत आवश्यक है, जिससे हम मॉर्टिलिटी या मृत्यु दर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक एक तो सिम्टम्स पहचानना ज़रूरी है कि आपको बैठे बैठे छाती में दर्द हो गया, गले में घुटन हो गई, सांस फूल गई, एक आपको चक्कर आ गया, पसीना आ गया, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण होता है। तो जैसे मैंने बताया कि शुरू में कुछ मरीज़ जो हैं इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं हमने गैस हो गई या कुछ एसिडिटी हो गई, तो इसको इग्नोर करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और पता चलता है वो 6 घंटे में अचानक वो सडनली एक्सपायर हो गए। तो बेसिकली वो हार्ट अटैक ही था जिसके सिम्टम्स को नज़रअंदाज किया और ट्रीट नहीं लिया, तो वो ये हो सकता है। लेकिन अगर ये आपने आइडेंटिफाई हो गया, मरीज़ पहले आधे घंटे में 1 घंटे में अगर हॉस्पिटल पहुँच जाए, हार्ट अटैक का डायग्नोसिस हो जाए, तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक मतलब हार्ट की एक रक्त वाहिका में अवरोध हो गया है, उसको तुरंत रिस्टोर करना चाहिए। तो उसके रिस्टोर करने के 2 तरीके हैं, या तो उसको मैकेनिकली खोल दिया जाए जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर बोलते हैं, या फिर क्लॉट को डिसॉल्व करने की दवाई दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि क्लॉट ही जो है वो हार्ट की आर्टरीज में जम जाता है जो आगे ब्लॉकेज करता है। तो हार्ट के क्लॉट को घोलने की दवा देते हैं तो वो इतना रास्ता खुल जाता है कि आगे की ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है, तो उस वक्त मरीज़ की जान बच सकती है, फिर आगे जाके उसका आगे का मैनेजमेंट अलग होता है। तो हार्ट अटैक अगर डायग्नोसिस हो जाए तो बचा जा सकता है, डायग्नोसिस ना हो तो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन से मरीज़ की जान जा सकती है। आपके हिसाब से हार्ट अटैक की फर्स्ट एड क्या हो सकती है? जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर आजकल जैसे हम पैंडेमिक में देख रहे हैं, कोरोना में देख रहे हैं कि कुछ हम डिवाइसेज अब अपने घर में रखने लगे हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ताकि हम घर पे अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कर पाएँ। इसी तरीके से हार्ट अटैक के लिए भी हमको ये तो पल्स, बीपी और सैचुरेशन देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट रखने ही चाहिए, साथ में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन रखनी चाहिए, जैसे कि एक सॉर्बिट्रेट हुआ, एक डिस्प्रिन की गोली हुई, ये गोलियां अपने आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। कभी भी आपके घर में किसी मरीज़ को या किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो, भारीपन हो, जकड़न हो, छाती पर ऐसा लगे कि जैसे वेट किसी ने रख दिया है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। ऐसे मरीज़ को आप एक डिस्प्रिन दीजिए, उसको बोलिए चबाए उसको डिस्प्रिन को, और एक सॉर्बिट्रेट नाम की गोली होती है उसको जबान पे नीचे रख के चूसना है, और तुरंत ही तुरंत ऐसे मरीज को हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए जहां पे ईसीजी हो और उस ईसीजी से हार्ट अटैक का डायग्नोसिस हो सकता है। तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है और ये सॉर्बिट्रेट नाम की गोली और डिस्प्रिन नाम की गोली ये आपके लिए फर्स्ट एड सिद्ध हो सकती है हार्ट अटैक के केस में। लेकिन कई बार होता है कि कुछ मरीजों को दवाइयां खाने का मना रहता है, जैसे मतलब परहेज की अगर बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, दवाइयाँ तो देखिए जहाँ पे दवाइयाँ देना आवश्यक है वहाँ तो दवाइयाँ देनी ही पड़ेंगी, और मरीज़ को अपने जो पुराने पूर्वाग्रह हैं उसको छोड़ के दवाइयाँ खानी भी पड़ेंगी ताकि उसको इलाज का फ़ायदा मिले। किसी किसी हो सकता है शायद किसी किसी मरीज़ को किस दवाइयों से रिएक्शन हो, तो अगर उसको हिस्ट्री पता अपनी दवाइयों की तो वो मेडिसिन अवॉइड की जा सकती हैं, और उसको अल्टरनेट हमेशा रहता है तो वो दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी दवाइयों से परहेज रहता है, जहाँ अगर परहेज का मतलब है किसी दवाई से एलर्जी है तो हम ठीक है उसके सब्स्टिट्यूट हमेशा रहते हैं तो वो दे सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो डॉक्टर्स उसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं उस ट्रीटमेंट को। नहीं, खाने की वो क्या चीज़ें हैं जो जिनका बुरा असर दिल पर पड़ता हो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है उसमें खान पान का भी बहुत योगदान है, जिसके कारण हार्ट की बीमारियाँ बढ़ गई हैं। जैसे पास्ता है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, समोसे हैं, कचौड़ी है, जलेबी है, ये चीज़ें मैदे की बनी होती हैं, और मैदा जो होता है हार्ट के लिए बहुत नुकसान करता है, साथ में इसमें ट्रांसफैट्स भी होता है, तभी तो वो स्वादिष्ट लगते हैं। तो ट्रांसफैट्स और मैदा ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, ये आपके हार्ट आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये आपके हार्ट की धमनियों में जमता है और रुकावट पैदा करता है, साथ के साथ में ये चीज़ें आपका मोटापे भी बढ़ाती हैं। तो ये 2 तरह से रिस्क फैक्टर आपके बढ़ाते हैं हार्ट की बीमारी करने के। तो खान पान में ये है कि आपको मैदा नहीं खाना है, आलू कम से कम खाना है, चीनी
बिल्कुल नहीं खाना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसको बोलते हैं वो नहीं खाना है। एक डालडा भी वो चीज़ होती है जो मोटापा बढ़ाती है। सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और हार्ट की बीमारी कर सकता है। तो ये तो जीवन शैली में जो इस तरह से इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो गई है कि हम प्रॉपर घर का जो होममेड फूड नहीं खा रहे हैं और बाहर का खा रहे हैं और बहुत अत्यधिक मात्रा में खा रहे हैं, प्राय डेली खा रहे हैं, तो ये लंबे समय तक रहने से शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ करता है और आपको हार्ट की बीमारी के लिए एक रिस्क पैदा करता है। क्या एक्सरसाइज करने से दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज से दो तीन तरह के रिस्क फैक्टर आपके कंट्रोल होते हैं। एक्सरसाइज से डायबिटीज़ बेहतर होती है, एक्सरसाइज से हाइपरटेंशन बेहतर होता है, एक्सरसाइज से जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है जिसको प्रारंभिक अवस्था में डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाता है, वो चला ही जाता है, प्लस मोटापा भी कम करता है। तो एक्सरसाइज से ओवरऑल आपके हार्ट का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होता है, आपका फैट बर्न हो जाता है, तो आपका जो कैलोरी जो बैलेंस है वो बराबर बना रहता है। तो कैलोरी बैलेंस बराबर बना रहने से वो हार्ट की बीमारी में काफ़ी हद तक बचाव को रखता है। अच्छा, जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है उसके हार्ट के जो चैनल्स होते हैं, कोलैटरल चैनल्स होते हैं, वो खुल जाते हैं। तो बाई चांस ऐसे व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक होता भी है तो उसको उतना डैमेज नहीं होता क्योंकि उसकी ऑलरेडी कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप हो चुकी होती है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज जो है आपके हार्ट बीमारी को बचाता है और अगर आपको हार्ट की बीमारी हो जाए तो उससे होने वाले जो नुकसान है उससे भी बचाता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो हृदय की बीमारियों से बचा सकते हैं। इसमें किस तरह की एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं, जैसे इसमें योग भी हो जाता है कभी कभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें ये होता है कि आपको अपनी एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट प्रतिरोज करनी है जो कि ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको चलते वक्त पसीना हो जाए। तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन में इतना ही सफिशिएंट है, इसके ऊपर आप जो भी कुछ करें वो एडिशनल एडवांटेज आपको देगा। योग और मेडिटेशन और प्राणायाम आपके बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को रिलैक्स करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये भी आपके जो है कॉर्टिसोल लेवल्स कम करते हैं, एड्रेनलिन कम करते हैं, जो ऐसे हॉर्मोन्स हैं स्ट्रेस हॉर्मोन्स उसको कम करते हैं, तो वो इस तरीके से मदद कर सकते हैं। लेकिन बेसिक मिनिमम एक्सरसाइज फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, इतना तो करना ही चाहिए। उससे काफ़ी हद तक आपके रिस्क जो हैं वो कम हो जाते हैं। कई बार जैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स फील्ड से होते हैं तो वो रेस कॉम्पिटिशन में जब हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए क्या सलाह देंगे कि जैसे रेस के टाइम जैसे भाग दौड़ की बात होती है तो उनको क्या सलाह देंगे, उनको किस तरह से मतलब पहले खान पान का ध्यान रखना चाहिए? ये आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल में देखते हैं कुछ न्यूज़ होती है कोई एथलीट जो है फील्ड पर अचानक चक्कर खा के गिर गया, बाद में पता पड़ता है, कई बार तो एथलीट की डेथ भी हो जाती है। सडन कार्डिक डेथ इन एथलीट अपने आप में एक अलग विस्तृत विषय है, लेकिन आज की यंग जनरेशन में और जिम जाने की भी काफ़ी एक फैशन है या कह लें अच्छी बात है, हाँ एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप 30 साल के बाद अगर कोई जिमिंग एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं और आपने पहले कभी जिमिंग नहीं करी है या कोई हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो एक बार बेसिक चेकअप करा लें आप डॉक्टर से, ECG करवा लें, इको करवा लें, अगर डॉक्टर को लगता है TMT करवाना तो TMT करवा लें। तो इससे हम काफ़ी हद तक जो एक्सरसाइज के दौरान या हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स के दौरान जो होने वाले हार्ट से संबंधित बीमारियाँ हैं या कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आज की यंगर जनरेशन को, अगर आपने पहले से ही एक्सरसाइज कर रखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने 30 के बाद हैं और नई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक डॉक्टर की सलाह से ही आप अपनी एक्टिविटी जो है उससे गाइडेंस में करें। वहीं ब्लड प्रेशर घटाकर ऐसी खान पान की क्या वो चीज़ें हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है? जी हाँ, शुरू में जैसे ब्लड प्रेशर का अगर हमको मरीज़ मिलता है और अगर उसका ब्लड प्रेशर बॉर्डरलाइन ही हाई है या स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो हम मरीज़ को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं, जिसमें नमक कम करना, आधा से पौन घंटा ब्रिस्क वॉक करना और खान पान में सब्जी भाजी हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स का समावेश ज़्यादा करना, पैकेज्ड फूड या जिसमें ऐसा पैकेज फूड जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है उसको अवॉइड करना, फ़ास्ट फूड अवॉइड करना, स्नैक्स अवॉइड करना, ये चीज़ें। तो नमक का परहेज़, एक्सरसाइज
और ऐसी चीज़ें जिनमें आपका फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा समावेश हो, ऐसी चीज़ें खाने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद भी ठीक नहीं होता तो फिर हमें ब्लड प्रेशर की गोलियां शुरू करनी पड़ती हैं, दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं, उसके आधार पर फिर उस आगे का ट्रीटमेंट उसका निर्धारित किया जा सकता है। दर्शकों को आप क्या वो संदेश देंगे जिनसे छोटे छोटे जैसे कोई बीमारियाँ हैं हृदय रोग से जुड़ी हुई, तो उनका इलाज किस तरह से किया जा सके? जी हाँ, संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सिम्टम्स एक तो आइडेंटिफाई करिए कि अगर आपको छाती में दर्द है, भारीपन है, जकड़न है, चलने में कोई तकलीफ हो रही है, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे सलाह लें, अपना चेकअप कराएं। दूसरा, हम हृदय की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, तो एक आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपने जो है हाईली फैटी फूड जो बोलते हैं, जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं और सैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे वनस्पति घी है, डालडा है, ये आपने नहीं खाना है। अत्यधिक तली हुई चीज़ नहीं खाना, जो बहुत देर तक कढ़ाई में तली जाती है वो नहीं खाना है। मैदे का प्रयोग नहीं करना है, चीनी का प्रयोग नहीं करना है, नमक का प्रयोग कम से कम रखना है। तो आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 30 मिनट प्रति रोज़ आपने एक्सरसाइज करनी है, जिसमें मिनिमम बेसिक एक्सरसाइज होती है 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, वो अपने आप में सफिशियंट होती है। दूसरा, आपने प्रॉपर नींद लेना, आपने 6 घंटे की एक अच्छी बढ़िया सी नींद लेना है। आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आपका स्लीप हाइजीन अच्छा होना चाहिए और आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और हृदय की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल, आपने एक अहम विषय पर हमें जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज डॉक्टर्स एडवाइस में हमने जाना हृदय रोग के बारे में, यानी कि अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव कर किस तरह से हृदय रोग से बचा जा सकता है, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अगले डॉक्टर्स एडवाइस में हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।